वेलकम टू मूवी स्टॉप। ऐसे कितने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जिनको वीक एक्टिंग या फिर ओवर एक्टिंग ने रुइन कर दिया है। व्हाइल वॉचिंग दीज कैरेक्टर्स यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज द एक्टिंग व्हिच इज लेटिंग द रोल डाउन। इसकी वजह से ऑडियंस इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड नहीं फील करती। इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे व्हिच वर रुइन बाय बैड एक्टिंग। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। You refuse to sleep with me, और तब से ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो। तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो? ये भी मैं बताऊं? तो तुम क्या करोगे? नंबर 6, अर्जुन कपूर इन पानीपत। अगर आपने हिस्ट्री को क्लोजली रीड किया है देन यू विल नो अबाउट ग्रेटनेस ऑफ मराठा वॉरियर सदाशिव राव। उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी मराठा किंगडम के लिए। ऐसी पर्सनालिटी को स्क्रीन पे प्ले करना एक ऑनर से कम नहीं है। बट अर्जुन कपूर ने जैसे इस रोल को मूवी में पोर्ट्रे किया है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ही डिड नॉट हैव स्क्रीन प्रेजेंस टू डू जस्टिस विद दिस कैरेक्टर। कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करो। नंबर 5, सारा अली खान इन लव आजकल 2। इम्तियाज अली की फिल्म में लीडिंग रोल प्ले करना किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम से कम नहीं है। और फिर जब वो सोई जैसा इमोशनली कॉम्प्लेक्स रोल हो फिर वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सारा अली खान गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ इट। उन्होंने इस रोल को बहुत ही जेनेरिक तरह से अप्रोच किया जिसको देखकर उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। उनकी डायलॉग डिलीवरी तो इतनी ओवर द टॉप थी, अगर आप आज भी उसको देखते हो यू विल बी क्रिंज अ लॉट। इस सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। नंबर 4, आमिर खान इन थग्स ऑफ हिंदुस्तान। फिरंगी एक बहुत फनी कैरेक्टर था। द फैक्ट दैट ही वाज अनरिलायबल मेड हिम अ वेरी यूनिक कैरेक्टर फॉर अ पीरियोडिक हिंदी फिल्म एंड द फैक्ट दैट आमिर खान डिसाइडेड टू प्ले इट मेड हिम इवन मोर एक्साइटिंग टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। बट अनफॉर्चुनेटली आमिर की परफॉर्मेंस ने इसको बिल्कुल ही बोरिंग कर दिया था। वो अपने पोर्ट्रेयल भी कुछ जगह ओवरबोर्ड हो गए जिसकी वजह से हम इस रोल से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए। आपका आमिर के परफॉर्मेंस के बारे में क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। साहब, बहुत एक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बास्टर्ड। हम हैं साहब। नंबर 3, रणबीर कपूर इन भीषण। हर कोई इस मूवी को बहुत क्रिटिसाइज करता है एंड ट्रूली इट इज अ पॉलीमेड फिल्म। बट अगर आप इसकी स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर पे फोकस करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसकी स्टोरी क्राइम कॉमेडी फिल्म के लिए काफी अच्छी थी। द मेकर्स वॉन्टेड टू मेक अ मसाला फिल्म एंड दैट इज वाई द टोन वॉज सो ओवर द टॉप। बट यहाँ पे फॉल्ट था डायरेक्शन में और रणबीर के एक्टिंग में। ही वॉज वेरी मीडियोकर इन द मूवी एंड ही जस्ट कुड नॉट एक्सिक्यूट द ओवर द टॉपनेस ऑफ द रोल। खून नहीं रबड़ी दौड़ दिए रबड़ी। नंबर 2, परिणीति चोपड़ा इन साइना। हु डज नॉट नो साइना नेहवाल। उन्होंने हर स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उनकी बायोपिक साइना में उनकी इस लाइफ जर्नी को शोकेस किया गया मगर जैसे परिणीति ने साइना का रोल प्ले किया वो बहुत ही अंडरवेलमिंग था। शी ओवर एक्टेड इन अ लॉट ऑफ सीन्स जिसकी वजह से ये फील हो रहा था कि उनकी इस रोल को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सर्फिस लेवल थी। वो ना ही बैडमिंटन रोल में कन्विंसिंग लग रही थी ना ही इमोशनल प्रॉब्लम्स में। हाँ सर, मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी। नंबर 1, प्रभास इन आदि पुरुष। लॉर्ड राम से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को स्क्रीन पे प्ले करने के लिए सिंसेरिटी और सिंप्लिसिटी की जरूरत है। उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और कितने लोग उनकी काइंड हार्टेड ऑरा से इंस्पिरेशन लेते हैं। आदि पुरुष में प्रभास के पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी इस लेजेंडरी रोल को प्ले करके हिस्ट्री क्रिएट करने की। हाउएवर द अप्रोच टेकन बाय प्रभास वॉज इन्फीरियर। प्रभास के पास वो एक्टिंग रेंज नहीं थी इस रोल को पुल ओवर करने के लिए। द कैरेक्टर प्लेड बाय प्रभास इज सो बैड इवन फैंस started criticizing him for taking this role. राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा।